नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिंक सल्फेट यानी कि व्हाइट विट्रियोल के बारे में जानकारी प्राप्त। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है Zn4H7S2। सबसे पहले हम लोग इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पहला जिंक को H2SO4 के साथ डालेंगे। जिंक ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्शन कराकर जिंक सल्फेट तैयार करते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पहला पॉइंट हम लोग चलेंगे बाय जिंक विद कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड। कहता है कि जब हम जिंक को लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, या जब आपका कॉन्क रहेगा या जो होता है मेटल या पॉजिटिव होता है तो निगेटिव से, कभी भी याद रखना है कि पॉजिटिव निगेटिव से और निगेटिव पॉजिटिव से जाके कंबाइंड करता है। SO4 निगेटिव होता है तो Zn SO4 बना देगा। अब यहाँ पर ये भी याद रखना है कि यह कॉन्क है, तो कॉन्क है तो यहाँ पर SO2 गैस मुक्त होती है। या जब हमने जिंक को कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, यह जिंक सल्फेट प्राप्त होती है और SO2 गैस मुक्त होती है। यहाँ पर सल्फर हमारा 2 हो गया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर याद रखना कि अब हाइड्रोजन 4 हो गया, तो हाइड्रोजन जो होता है यह ऑक्सीजन से कंबाइन करके H2O बना देता है। तो हाइड्रोजन 4 यह हमारा जाकर बैलेंस होता है। याद रखना है जब कभी भी जिंक जो होगा सल्फ्यूरिक यानी कि कॉन्क कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो वह हमारा जिंक सल्फेट बनाएगा और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। दूसरा केस में बाय जिंक ऑक्साइड जिंक हाइड्रो ऑक्साइड जिंक सल्फाइड एंड जिंक कार्बोनेट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे। यह जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा, यह डाइल्यूट रहेगा यानी कि कंसंट्रेटेड से उससे पतला होगा जो सॉल्यूशन बनेगा। यह Zn जो हो गया SO4 से जाकर कंबाइन करेगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से करके H2O, यह Zn SO4 बना देगा। Zn SO4 बन गया और प्लस आपका H2O अलग हो जाएगा। इसी तरह दूसरा लाते हैं जिंक हाइड्रो ऑक्साइड। जिंक हाइड्रो ऑक्साइड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कराइए। यह हमारा Zn जो हो गया SO4 से जुड़ जाएगा तो Zn SO4 बन गया जिंक सल्फेट और प्लस यह हमारा H2O। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 2 है और यहाँ 1 है, तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब हाइड्रोजन 2 और 2 मिलकर 4 हो गए, यहाँ पर 4 हो गए। यहाँ पर याद रखना है कि हाइड्रो ऑक्साइड जो होगा सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके डाइल्यूट में जिंक सल्फेट बना देगा और वाटर अलग कर देगा। इसी तरह तीसरा लाता है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड को H2SO4 से आप कराओगे डाइल्यूट में AB, या हमारा Zn प्लस या माइनस और या प्लस, तो कभी भी प्लस माइनस से जुड़ेगा और जो माइनस होगा वो प्लस से जुड़ेगा। या जिंक सल्फेट हो जाएगा और प्लस में आपका H2S हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मुक्त हो जाती है। इसी तरह आपका जिंक कार्बोनेट है, या जिंक कार्बोनेट को H2SO4 से जब आप कराते हो डाइल्यूट में
यह ZnSO4 बना देगा, फिर H2O होगा और यहाँ से CO2 गैस मुक्त हो जाएगी। यह ZnSO4 हो गया प्लस H2O वाटर और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यह हमारा मेथड्स हो गया। तो सबसे पहले याद रखना है कि जिंक को हम लोग कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो जिंक सल्फेट और SO2 गैस मुक्त हो जाएगी। दूसरा कंडीशन में ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सल्फाइड कार्बोनेट को हम डाइल्यूट से कराते हैं। जब ऑक्साइड को कराते हैं तो जिंक सल्फेट और वाटर यहाँ से अलग हो जाती है। इसी तरह हाइड्रोक्साइड जब आप लेते हो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से तो जिंक सल्फेट बन जाएगी और 2H2O वाटर अलग हो जाएगी। यह हमारा जिंक सल्फाइड है तो ZnSO4 हो गया और H2S हाइड्रोजन गैस सल्फाइड गैस मुक्त हो जाएगी। इसी तरह जिंक कार्बोनेट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करेगा तो ZnSO4 और यहाँ से CO2 और एक H हो जाएगा H के पास तो यह H2O बना देगा। अब हम लोग इसके जिंक सल्फेट के प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि जिंक सल्फेट जो होता है व्हाइट कलर का होता है और यह क्रिस्टल के रूप में दाना दाना रूप में पाया जाता है। यह हमारा इसलिए इसको जिंक को हम लोग जिंक सल्फेट को व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। दूसरा आपका होता है इसको जब हम जल में डाल देंगे तो वाटर में डालिएगा तो यह घुल जाता है। जिस तरह आप शरबत बनाते हो तो चीनी डालते हो तो वह शरबत में यानी कि वाटर में शुगर जो होता है डिजोल्व कर जाता है। उसी तरह यह हमारा जिंक सल्फेट जो होता है वाटर में सोल्युबल हो जाता है। तो क्यों सोल्युबल होता है? क्योंकि वाटर के पार्टिकल के बीच इंटर मोलकुलर स्पेस होता है। अगर स्पेस नहीं रहेगा तो यह हमारा जिंक सल्फेट उसमें डिजोल्व नहीं होगा। यह याद रखना है कि वाटर में सोल्युबल क्यों होता है, क्योंकि इंटर मोलकुलर स्पेस होता है। इसके बाद इसका इक्वस सोल्यूशन जो होगा, इक्वस सोल्यूशन जो होंगे एसिडिक होंगे, एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्यों होते हैं? जब आप इसको जिंक सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन को लिटमस पात्र पर डालिएगा या उसको यह क्या करता है, लिटमस पात्र को ब्लू से रेड कर देता है। याद रखना है कि इसका इक्वस सोल्यूशन जो होगा जब लिटमस पात्र पर डालेंगे तो वह लिटमस ब्लू लेना होगा, तो उसको ब्लू पर डालेंगे तो वह हमारा रेड कलर का हो जाएगा। और जब इसको हम हाइड्रोलाइसिस यानी कि जल के साथ रिएक्शन कराएंगे यह हमारा वीक बेस देगा जो जिंक ऑक्साइड होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड देता है, स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक। इस तरह जब हमने जिंक सल्फेट को वाटर के साथ कराए तो जिंक ऑक्साइड जो हो गया यह वीक बेस बन जाता है और H2 सल्फेट के साथ करके H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड बना देता है। इस तरह याद रखना है यह व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है नमक की तरह आपका, यह वाटर में सोल्युबल हो जाता है, इसका एक्वस सोल्यूशन एसिडिक हो जाता है क्योंकि यह ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। जब इसको जल में डाल देते हो तब यह जल के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। जिंक ऑक्साइड जो होता है वीक बेस होता है और यह सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। अब हम लोग जिंक सल्फेट का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी लेंगे। जिंक सल्फेट में पहले आपको इफेक्ट ऑफ हीट करना होगा। ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले हम ए में एवं 100 डिग्री सेल्सियस या जिंक सल्फेट 7H2O क्रिस्टल के रूप में रहता है वाटर होने के कारण 100 डिग्री से अबव ताप पर गर्म करेंगे इसको यह 6 मोलकुल वाटर को लॉस कर देता है। तो जिंक सल्फेट इनटू H2O और यह लॉस किया 6 मोलकुल ऑफ वाटर को लॉस कर देता है। इसका बी के अंतर्गत एट 280 डिग्री सी पर जब यह हम इसको जिंक सल्फेट को लॉस जब इसे 280 डिग्री ताप पर गर्म करेंगे तो यह वाटर पूरा मोल को रिमूव कर जाएगा। यह जिंक सल्फेट एनहाइड्रस रूप में
बन जाएगा, यानी कि पूरा वाटर लॉस करेगा तो एनहाइड्रस हो जाता है। एनहाइड्रस मैंने सूखा या अनादर आप कह सकते हो, यह हमारा प्राप्त हो गया। इसके बाद इसको सी में 800 डिग्री सी पर गर्म है, 800 डिग्री सी पर गर्म करिएगा तो यह आपका जिंक ऑक्साइड और एसओ थ्री गैस मुक्त कर देता है 800 डिग्री सी पर। यह जिंक सल्फेट जो अनाद्र हो गया एनहाइड्रस, आप उसको 800 डिग्री सी पर गर्म करोगे, यहाँ से जिंक ऑक्साइड जो हो गया वीक बेस हो गया और यह हमारा एसओ थ्री गैस मुक्त कर देता। याद रखना है कि जब जिंक सल्फेट को 100 पर डिग्री पर गर्म करेंगे या 6 मॉलिक्यूल और वाटर को लॉस करके या जिंक एनहाइड्रस रहेगा, लेकिन यह वाटर 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा। जब इन्हें हम 280 डिग्री पर गर्म करेंगे तब यह पूरा के पूरा वाटर को लॉस करके जिंक सल्फेट एनहाइड्रस रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद जब आप इसको 1800 डिग्री पर गर्म करोगे यह जिंक ऑक्साइड बना देगा और एसओ थ्री गैस मुक्त कर देता है। दूसरा है इफेक्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम जिंक सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे यह हमारा जिंक का वैलेंसी 2 जबकि हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1, यह जब आप सूत्र बनाएंगे तो क्रॉस करा देंगे यह हमारा ZnOH जस्ट जिंक का वैलेंसी 2 जो है इस पर आ जाएगी और हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी इस पर। इसी तरह सोडियम का वैलेंसी 1 है और सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है, यह आपका सूत्र बन जाएगा सोडियम सल्फेट। तो सल्फेट का वैलेंसी इस पर आ गया और सोडियम का वैलेंसी SO4 बन गया। इस तरह हमारा जिंक सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराए तो यह जिंक हाइड्रोक्साइड या व्हाइट पीपीटी हो जाता है। व्हाइट पीपीटी हो गया, सफेद कलर का हो जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर बैलेंस करना है तो यह हमारा 2 हो गया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता है। फिर इस व्हाइट पीपीटी जिंक हाइड्रोक्साइड पे व्हाइट पीपीटी को पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देना है तो यह हमारा सोडियम जिंकेट बना देता है। सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बन गया, यानी कि सोडियम 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यह हमारा H2O, दो को यहाँ पर हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन यहाँ पर, तो H2O जो होगा 2 मॉलिक्यूल H2O बन जाएगा। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। इस तरह याद रखिएगा कि जिंक सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड का व्हाइट पीपीटी बन जाता है और जो पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके सोडियम जिंकेट बना देता है। अब हम लोग तीसरा रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो जिंक सल्फेट आपने लिया, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराइएगा, यह हमारा प्लस माइनस से रिएक्शन करेगा, लेकिन इसका वैलेंसी 1 और इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी इस पर आ जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बना दिया और यह हमारा यानी कि 2 हुआ, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पर अमोनियम सल्फेट या O2SO4, यह आपका व्हाइट पीपीटी करता है कि इस जिंक सल्फेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो सबसे पहले हमारा व्हाइट पीपीटी किसका, जिंक हाइड्रोक्साइड का व्हाइट पीपीटी बन जाता है, फिर यह एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और फिर आपका अमोनियम सल्फेट, या फिर रिएक्शन करके एक्सेस के तब जाके जिंक टेट्रा एमिनो अमोनियम सल्फेट बना देगा, जिंक और यह हमारा वाटर अलग हो जाएगा। तब यहां पर
हमने जिंक हाइड्रोक्साइड जो व्हाइट पीपीटी बना उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट से करा दिया, यह हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। और यह कलरलेस सॉल्यूशन होता है। साथ में इसका नेम कैसे बनाएंगे, टेट्रा एमिनो, नाम हो गया टेट्रा एमिनो। फिर यह जिंक, इसके बाद इसका वैलेंसी कितना हुआ, यह हमारा जीरो हो गया, इसका माइनस दो और इसका प्लस दो है ना। जिंक का वैलेंसी रोमन में लिखना है सेकंड, और यह आपका सल्फेट बाद में लिखेगा। तो सबसे पहले याद रखना है कि इस तरह का जब रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे, नाम पहले लिगांड का, या लिगांड होता है या मेटल, और यह हमारा निगेटिव हो जाता है। तो लिगांड का नाम लिखेंगे डाइट्राइड के नाम, यानी कि टेट्रा एमिनो, फिर मेटल का नाम जिंक, और इसका वैलेंसी रोमन में सेकंड, और इसका लास्ट में निगेटिव का नाम सल्फेट लिख देते हैं। फिर यह इसका लास्ट रिएक्शन बेरियम सल्फाइड से कराएंगे, तो जेडेन के साथ एस हो गया, बीए के साथ एस हो गया, यह हमारा जिंक सल्फाइड और बढ़ जाएगा, इसके बाद बेरियम सल्फेट हो जाएगा। अब याद रखना इन दोनों का मिक्सचर, जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट के मिश्रण को लिथोफोन कहते हैं, यह होता है व्हाइट कलर का, इसका नाम है लिथोफोन। याद रखना है कि जिंक सल्फेट बेरियम सल्फाइड से करके लिथोफोन बनाता है। यह हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश हो गया। अब हम लोग जिंक सल्फेट का किस किस में यूज करते हैं, तो यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले जिंक कंपाउंड बनाने में, साथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, धागा उद्योग में शॉकिंग करने के लिए, थर्ड पॉइंट में वुड को प्रिजर्व रखने के लिए, और यह हमारा लिथोफोन बनाने के लिए, साथ में इसका उपयोग जाइंग यानी कि रंग उद्योग में किया जाता है। इस तरह हमारा जिंक सल्फेट खत्म हो जाती है। और नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम अगला पॉइंट डालेंगे हम लोग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो शेयर करना न भूलें।